हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो कि बहुत कॉमन हैं जो आप सबको पता होना चाहिए वो आपको कराने जा रहा हूँ सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जर्नल एंट्रीज एक सिंपल जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं सिंपल जर्नल एंट्री कौन सी होती है बच्चों जिसमें वन अकाउंट इज अडेप्ट एंड अदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड मतलब एक ही अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री इसकी एग्जाम्पल क्या है फॉर एग्जाम्पल परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट इसमें एक ही अकाउंट डेबिट है और एक ही अकाउंट क्रेडिट है आगे हम बात करते हैं बच्चों सेकंड जर्नल एंट्री कंपाउंड जर्नल एंट्रीज बच्चों कंपाउंड जर्नल एंट्रीज इसमें मोर देन वन अकाउंट आर डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट आर क्रेडिटेड जहाँ तो इसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट होंगे या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होंगे ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट डेबिटेड वेजिज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और रोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज अब आगे बात करते हैं बच्चों ओपनिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री को हम जब पास करते हैं वो करते हैं एट द बिगनिंग ऑफ़ आ न्यू फाइनेंशियल ईयर और वो पिछले साल के बैलेंसेस को आगे लेके जाने के लिए होता है उसका जो प्रोसेस होता है कैलकुलेट करने का उसके अमाउंट को ज़्यादातर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वो ए इजिकल टू एल प्लस सी वाला फॉमुला लगा के जिसमें हमें बैलेंसिंग फिगर में मोस्ट ऑफ़ द टाइम कैपिटल को फाइंड आउट करना होता है इसकी एंट्री होती है एसेट्स को हम डेबिट कर देते हैं लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देते हैं और बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल आ जाता है इसकी एग्जाम्पल कैसे बन सकती है ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश अकाउंट है बैंक अकाउंट है बिल रिसिवेबल अकाउंट है डेटर्स है बिल्डिंग है इन सबको आप डेबिट कर दोगे टू क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल टू लोन्स करके जो इनका टोटल आएगा डेबिट में उसमें से क्रेडिट माइनस करके ये फिगर को क्या करोगे आप कैलकुलेट कर लोगे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल के फॉर्म में ये ओपनिंग एंट्री आ जाएगी ये प्रीवियस ईयर के जो अकाउंट जैसे 31 मार्च के अकाउंट क्लोज करने के बाद एक अप्रैल को जब हम ट्रांसफर करेंगे तब एंट्रीज आएंगी ठीक है स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एवरी बिजनेस मैन हैज टू एडजस्ट इट्स अकाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसिज एंड अक्रूड इनकम्स एंड एक इनकम डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रोविजन फॉर बैड एट्सेट्रा एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल पहला है बच्चों आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग एक्सपेंसिस कैसे आ सकता है ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के फॉर्म में और दूसरी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैसे बनती है बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट तीसरी अक्रूड इनकम कैसे आएगी एंट्री अक्रूड इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट या कमीशन कुछ भी हो सकता है अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट है डी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस उसका कैसे आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट और ई एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कैसे आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ये तो लोन हमने लिया होता है तो ये हमारे लिए क्या हो गया था लाइबिलिटी और उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए क्या हो जाता है एक्सपेंस और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन लोन गिवन फर्म के लिए क्या होगा ये एसेट होगी और जो इंटरेस्ट है वो क्या बन जाता है इनकम बन जाती है तो लोन अकाउंट डेप्टेड लोन या कैश या बैंक अकाउंट डेप्टेड टू तो इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेप्टेड तो टू कैपिटल अकाउंट ठीक है जी एंड उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग से अकाउंट डेप्टेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेक्स्ट है बच्चों डेप्रिसिएशन यदि एसेट्स पे लग रही है तो उसकी क्या एंट्री होगी डेप्रीसी अकाउंट डेप्टेड टू एसेट्स अकाउंट और बैड डेट कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे बैड डेट्स अकाउंट डेप्टेड टू डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्टेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ तक की जनरल एंट्रीज अभी आप अंडरस्टैंड करिए तो बाकी इसको आगे कॉन्टिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विशिंग यू गुड लक